तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जल्दी दो अमृत भारत ट्रेनों सहित 6 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया जाना है। स्लीपर और सामान्य द्वितीय श्रेणी के डिब्बों सहित 22 कोचों वाली अमृत भारत एक्सप्रेस अयोध्या को दरभंगा से जोड़ने के लिए तैयार है, जिसकी पूरी वीडियो आपको एंड स्क्रीन में देखने को मिल जाएगी। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर निकल कर सामने आ चुकी है, हमारी फुल्ली वर्ल्ड क्लास स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस की फिर से इसकी काफी बेहतरीन एक्सक्लूसिव तस्वीर देखने को मिली है। क्या है इसकी पूरी खासियत, कितनी शानदार और एक्सक्लूसिव तस्वीर है, क्या है इसकी मैक्सिमम रफ्तार और कब से इसे लॉन्च किया जा सकता है, बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों वंदे भारत स्लीपर कोच का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF और भारत अर्थ मूवर लिमिटेड BEML संयुक्त रूप से करेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की तादाद में बढ़ोतरी के साथ साथ उसके स्लीपर वर्जन पर भी काफी तेजी से काम हो रहा है। तो वंदे भारत स्लीपर कोच का फर्स्ट लुक देखिए, जहां हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने पहली झलक में दिखाई थी वंदे भारत स्लीपर की इस तस्वीर को। लेकिन इसके बाद काइनेट ने काफी शानदार तस्वीर पेश की है, जहां आप इसकी नक्काशी देख के दंग रह जाएंगे। और जो ये तस्वीर आप देख रहे हो स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस की लेटेस्ट इंटीरियर व्यू की, भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार देखने को मिल रही है। दोस्तों भारत में है स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस बनाने के लिए रेल मंत्रालय ने रेल विकास निगम लिमिटेड के रूसी कंपनियों के साथ बनाए गए ज्वाइंट वेंचर काइनेट रेलवे सॉल्यूशन भारत में ही स्लीपर वंदे भारत के 120 ट्रेन सेट बनाएगी। प्रत्येक ट्रेन सेट की अनुमानित लागत की बात करें तो वो है 120 करोड़ रुपए और परियोजना पर लगभग 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसका पहला लक्ष्य 2025 तक वंदे भारत ट्रेनों के 120 स्लीपर संस्करण तैयार करना है। फिलहाल वर्तमान में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनें भारतीय रेलवे नेटवर्क पे सबसे प्रीमियम और स्लीपर ट्रेनें हैं। लेकिन अब वंदे भारत ट्रेन सेट आने के बाद ये राजधानी को भी पीछे छोड़ देगी और अब तक की सबसे बेहतर स्लीपर ट्रेन बन जाएगी। और इस वंदे भारत के स्लीपर संस्करण में 16 कोच की बोगियां होंगी, जिसमें 11 AC 3 टीयर कोच, 4 AC 2 टीयर कोच और एक फर्स्ट AC कोच होगा। और इसे भारतीय रेलवे की आवश्यकताओं के आधार पे 20 कार सेट से 24 कार सेट तक बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक स्लीपर वंदे भारत में 835 बर्थ होंगे, जिसमें से 823 यात्रियों के लिए रिजर्व होगी और प्रत्येक कोच में 3 बाथरूम के साथ एक मिनी पेंट भी दी जाएगी। अपर बर्थ पे चढ़ने के लिए खास व्यवस्था की गई है। ट्रेन में चढ़ने के लिए रैंप की भी व्यवस्था है, जिसके कारण दिव्यांगों को भी ट्रेन में चढ़ने में काफी आसानी होगी। स्लीपर वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों की आराम और सेफ्टी के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। दोस्तों यह भारत के 24 राज्यों को जोड़ेगी और 33 रूटों को कवर करेगी। ट्रेन में लगेज रखने के लिए अलग से मिनी कोच जैसी व्यवस्था की जा रही है, ताकि यात्रियों का लगेज सुरक्षित रह सके। साथ ही अपने साथ ट्रेन में डॉग और अन्य पेट्स ले जाने के लिए भी काफी स्पेशल बॉक्स की व्यवस्था की जाएगी। दोस्तों 120 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट का निर्माण महाराष्ट्र के लातूर में भारतीय रेलवे मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री में काइनेट SPV द्वारा किया जाएगा। एक अन्य वंदे भारत स्लीपर ट्रेन परियोजना पर BEML और ICF शामिल है। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट का प्रोटोटाइप BEML द्वारा 2024 के शुरुआत में किया जाएगा। साथ ही एक अन्य परियोजना में टीटागढ़ वैगन्स और BEML 80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट का निर्माण करेंगे, जिसमें से BEML ICF का प्रोटोटाइप 2024 में ही देखने की उम्मीद है। दोस्तों यदि अब बात करें स्लीपर वंदे भारत की रफ्तार की, तो जहां चेयर कार वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वहीं स्लीपर वंदे भारत की रफ्तार 200 से 220 किलोमीटर प्रति घंटा होने की उम्मीद है। यानी सोते सोते आप 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों अभी जो हमारी रेलवे की ट्रैक है और जो सिग्नलिंग सिस्टम है, इसे काफी ज्यादा अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी ये 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को नहीं झेल सकते हैं। तो जब तक हमारी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस बन रही है, तब तक इन ट्रैक को अपग्रेड भी किया जा रहा है। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों इसके बारे में, नीचे हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और जाते हुए एक छोटे से क्लिक से वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।